और आपका जो तीसरा सवाल था कि एजुकेशन पॉलिसी, तो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये है कि जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं इमिग्रेशन पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई सैयद आमिर हसन अमेरिका से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह का टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज फजर अदा कर दी गई है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो शुरू कर दिए गए हैं, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा व्लॉग देखने के लिए वक्त निकाला। चलें, बहुत हसीन सुबह है आज, और काफ़ी दिनों बाद जो है वो गर्मी का जोर टूट चुका है और लोग अपनी अपनी जो है काम पर, अपने वर्क पर जो है जा रहे हैं। तमाम रास्ते जो है वो ट्रैफिक से जो है वो भरे हुए हैं। सामने बहुत बड़ा सा सूरज जो है वो तुलू हो रहा है, माशाल्लाह। से मुतालिक कोर्सेज होते हैं और वेली स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, और सैलून का भी काम सिखाया जाता है, और बच्चों को जो है वो खाना पकाना भी सिखाया जाता है, करनी आर्ट्स का, ऑटोमोटिव का, और आईटी कोर्सेज होते हैं जेम्स रीस कैरियर एकेडमी। बहुत बड़ा एकेडमी है ये, द ग्रिल के नाम से यहाँ पे, और रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ पे जो है वो कलनी आर्ट्स का भी काम सिखाया जाता है। ये बच्चे आ गए हैं, वो स्कूल भी है, बस भी आ गई, स्कूल बस बच्चों को जो है वो ड्रॉप करेगी। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और यहाँ का फोर बेंड काउंटी का जो जहाज़ है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और ये देखें कितना खूबसूरत मंदिर है। बच्चे जो है यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से सुबह का टाइम है, इनको ये शॉर्टकट लगा तो ये यहाँ से स्कूल जा रहे हैं। खूबसूरत पिंक कलर के जो है वो फूल खिले हुए हैं, और साथ साथ जो है वो दरख्तों पे रेड कलर के भी फूल हैं। सुबह का वक्त है और नमाज फजर के बाद यहाँ पर आना और यहाँ पर टहलना, वॉक करना, साइकिलिंग करना, बहुत पुरफजा मकाम। तो दोस्तों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो वो ये है कि अमेरिका कैसे आया जाए, तो उस पर मैं आपको आज चंद बातें बता दूं। मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूं, लेकिन जो अमूमन जो है जो इस्तेमाल किया जाता है या जो मेरे एक्सपीरियंस में है वही मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन हर एक का जो है, हर एक एप्लीकेंट का जो है वो अलग अलग तरीक़ेकार होता है, उसकी काबिलियत के हवाले से या उसका जो स्टेटस जो है यहाँ पर अमेरिका में उसके हवाले से वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जो है अमेरिका आने के लिए
वो US एम्बेसी जिस मुल्क में भी हैं आप या जिस शहर में हैं वहाँ पे US एम्बेसी में आप रابطہ करें, और या US कॉन्सुलेट जो आपके शहर में है वहाँ पे रابطہ करें, और वहाँ पर जो है उनके जो फॉर्म्स वगैरह हैं DS-160 फॉर्म वो विज़िट वीज़ा के लिए होता है और दीगर वीज़ास के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स होते हैं। तो अगर आप विज़िट वीज़ा आना चाहते हैं तो विज़िट का फॉर्म फिल करें, DS-160 है, और अगर आप इमिग्रेशन के लिए आना चाहते हैं तो वो आपके लिए इमिग्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। एक इमिग्रेशन एप्लीकेशन होती है और एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। तो इसमें जो है सबसे जो ज़्यादा जो किया जाता है वो विज़िट वीज़ा होता है, फैमिली वीज़ा होता है, और स्किल्ड पर्सन्स का वीज़ा होता है। तो ये सारे इस तरह के वीज़ाज़ होते हैं जिसके लिए जो है लोग अप्लाई करते हैं और उनका इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू दे के अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा के और वो यहाँ अमेरिका जो है वो आते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, और अरब ममालिक से, और वियतनाम से, और बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं, तो वहाँ से लोग जो है वो अपना अप्लाई करते हैं। और अगर किसी का यहाँ पर कोई रिश्तेदार है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनके पेरेंट्स हैं या स्पाउस हैं या चिल्ड्रन हैं, तो वो भी जो है अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं जो बैक टू कंट्री हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, जहाँ पर भी, तो वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है वो उनका जो केस फाइल है वो जब मैच्योर होती है तो उनका इंटरव्यू लेटर आता है और फिर अगर वो वीज़ा ऑफिसर जो है, तमाम चीज़ें वीज़ा ऑफिसर के ऊपर होती हैं कि वो किस तरह से वीज़ा दे, या मज़ीद कोई उसको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इंफॉर्मेशन लेके वीज़ा इशू कर देता है। तो सबसे पहली बात कि वीज़ा अप्लाई करें और उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करें। और दूसरा आपका सवाल ये है कि अमेरिका आके क्या किया जाए। तो अमेरिका में आने के बाद जो भी आपके बैक कंट्रीज़ में जो भी प्रोफेशन इस तरह से लोग काम करते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी काम करते हैं। तो जो बैक कंट्री में डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, या कोई भी उनके पास स्किल्स है, तो उनको यहाँ पर आकर यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो है अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी होती है। और अगर कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है तो उसको जो है वो 2 से 3 साल मज़ीद जो है यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है। लेकिन देखने में ये आया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो 2 या 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और 5 साल 6 साल जो है उनको अपनी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट करने में लग जाते हैं। और इसी तरह सेकंड कैटेगरी में जो लोग स्किल्ड पर्सन्स हैं, जिन्होंने टेक्नीशियंस हैं, इलेक्ट्रिशंस हैं, वेल्डर हैं, या अपना ट्रकर्स हैं, ट्रक चलाने वाले हैं, और जो इसी तरह से जो हैंड्स ऑन काम करने वाले लोग हैं, उनको जो है वो कम अरसे में उनकी यहाँ की डिग्री जो है वो मिल जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं। तो जो हायर स्टडीज़ बैक कंट्री में जिन्होंने हासिल की हुई होती है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जिन्होंने इस तरह से कोर्सेज या डिप्लोमास कर किए हुए होते हैं तो उनको यहाँ पर थोड़ी कम स्ट्रगल करके अपना अपनी एजुकेशन को अपडेट करना पड़ता है और यहाँ पर जॉब कर सकते हैं।
और आपका जो तीसरा सवाल था कि एजुकेशन पॉलिसी, तो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये है कि जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं इमिग्रेशन पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे बच्चे जो है वो स्कूल गोइंग थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप अपने स्कूल से जो है वो उनके तमाम एजुकेशन जो है, तालीमी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लेकर आएँ, और उनका जो इम्यूनाइजेशन जो है, उनकी वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो पूरा बना हुआ है, तो वो साथ में लेकर आएँ। और यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर एज के हिसाब से, जिस एज का बच्चा है तो उस एज के हिसाब से उसको क्लास दी जाती है और उसमें उसका एडमिशन हो जाता है। और हाई स्कूल तक, जैसे पाकिस्तान में इंटरमीडिएट तक जो है, 10th क्लास तक जो है वो हाई स्कूल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 12th क्लास तक हाई स्कूल होता है, और 12th क्लास तक, 12वीं क्लास तक जो है यहाँ पर जो है वो एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उसमें वो जो मील है, जो खाना दिया जाता है, उसकी वो प्राइस जो है वो आपसे डिमांड करते हैं स्कूल मैनेजमेंट। बाकी जो है वो स्टडी वगैरह जो है वो फ्री होती है। और अगर आप स्कूल में जो फ़ोटो वगैरह जो है एयरली उसको वो बनवाना चाहते हैं तो उसकी भी प्राइस होती है। बहरहाल मोस्टली जो है वो एजुकेशन जो है और जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हाई स्कूल तक फ्री होती है, और हाई स्कूल के बाद जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं तो उनको जो है यहाँ पर लोन जो है फेडरल जो है फाफसा, उससे जो है वो लोन लेना पड़ता है, और फिर वो लोन लेकर वो अपनी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। ज़्यादातर एजुकेशन जो है हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल में अगर आपके 26 क्रेडिट हैं तो आप डायरेक्ट जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है बच्चे का, और वहाँ पर वो अपनी तालीम मुकम्मल करता है 4 ईयर्स की। और अगर उसका 26 ग्रेड कम होते हैं, 22 होते हैं, तो वो फिर जो है कॉलेज में जाता है, और फिर कॉलेज में 2 ईयर्स जो है वो उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी जाता है, और यूनिवर्सिटी में उसकी 2 ईयर्स जो है वो एजुकेशन कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, ये था आज का इन्फॉर्मेटिक व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।